नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मेरे साथ मौजूद है एनडीए घटक दल के प्रमुख, दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी। जानते हैं ओम प्रकाश राजभर जी पर पूर्वांचल का विशेष दबाव था कि ये पिछली बेर समाजवादी पार्टी के साथ रह के गठबंधन के साथ और कई सीटों पर इजाफा करवाए थे, इस बार भाजपा के साथ हैं, एनडीए में हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? और प्रमुख बात यह है कि घोसी लोकसभा से इनका बेटा खुद ही चुनाव लड़ रहा है, तो हम जानते हैं ओम प्रकाश जी से क्या समीकरण को देख रहे हैं पूर्वांचल के साथ घोसी को। देखिए, लड़ाई कहीं नहीं है, लोग मोदी जी के नाम पर उड़ दे रहे हैं, जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है, चाहे घोसी हो चाहे कहीं भी हो। और मोदी जी के साथ अपना दल वोट लेके खड़ा है, निषाद पार्टी वोट लेके खड़ी है, भारतीय समाज पार्टी खड़ी है, राष्ट्रीय लोक दल खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है। तो हम लोग सब लोग मिला करके जो वोट का कलेक्ट हो रहा है वो बोरा का बोरा हो रहा है और विपक्ष के पास झोरा का झोरा हो रहा है। अब तुलना कर लीजिए कि झोरा वाला जीतेगा कि बोरा वाला जीतेगा। अभी आपने जो जातियों का समीकरण बताया है वो उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जातियों का समीकरण मोदी जी के पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के पास कौन सा समीकरण है? हम तो कहते हैं सपा के नेता और कांग्रेस के नेता दोनों को हमारे सामने, या हम नहीं है उनसे पूछ लीजिएगा कि गाजी मऊ में या पूर्वांचल में कौन कौन जाति रहती है, हमको नहीं लगता है कि जाति का नाम बता दें। और ओम प्रकाश राजभर 50 जातियों का एक सर्रा नाम बता देंगे। कौन कौन सी जातियाँ हैं? अहिर, गड़ेरी, कुनबी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, कटिक, पासी, केवट, बिंदमला, दुल्हा, धुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, चौरसिया, सोनार, इतना तो यही है। आप हर विधानसभा का जो आंकड़ा आपने निकाला है कि इस विधानसभा में ऐसे जैसे कैसे ये मतलब आत्मविश्वास के साथ आपको कैसे लग रहा कि ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए, लोग अपनी बिजली का बिल माफ़ कराने के लिए कि हमको बिजली का बिल न देना पड़े मोदी जी की योजना से प्रभावित है। इलाज 5 लाख रुपया जो उनको आयुष्मान कार्ड से मिल रहा है, इनको जो अनाज गोदामों में सड़ रहा था वो अनाज अब गरीबों को मिल रहा है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पकाने के लिए अनाज को उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर मिल रहा है और उनको छत मिल रहा है और उनको जो है शौचालय मिल रहा है, तो गरीब उसके तरफ है। अब महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया मोदी जी ने, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम शुरू हो गया है। तो ये सारी योजनाएं जनता को पसंद आ रही है मोदी जी की। अरे, विरोधी खाली पे विरोध करते हैं, यानी कि पहले हाओ कुछ हो। कांग्रेस तो बोल रहे कि जैसे ही हम सरकार में आते हैं 8,500 रुपया खटाखट महिलाओं के खाता में चला जाएगा और मतलब बड़ी योजनाएं आने के बाद वो अमली जामला पहनने जाएंगे। 4 जून को खटाखट हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, हवाई जहाज में साथ भागेंगे विदेश, कब नहीं टिकेंगे, खट जाएंगे हेलीकॉप्टर से। हम आते हैं अंतिम सवाल पे, घोसी को किस रूप में देखा जा रहा है, चूंकि आपका बेटा प्रतिष्ठा आपकी फंसी हुई है और पूर्वांचल भी आप चूंकि आप उसकी जिम्मेदार हैं, तो कैसे इसको देखा? कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सपा और बसपा आपस में लड़ रहे हैं। आप देखिएगा रसड़ा में बसपा दूसरे नंबर पर रहेगी, ठीक है, मधुबन में सपा और बसपा लड़ रहे हैं कि हम दूसरे पर आएंगे कि वो दूसरे पर आएंगे। वही स्थिति कमोवेश आपके मोहम्मदाबाद गोहना की है, वही हाल आपके मऊ सदर की है, वही हाल पांचों विधानसभा की है, चाहे वो रसड़ा की, हर जगह। क्योंकि स्थिति यह है कि कहीं बूथ पर बसपा है वहाँ सपा नहीं है, कहीं सपा बूथ पर है तो बसपा नहीं है, और भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन हर बूथ पर मजबूती से खड़ा है। इसका मतलब तो 400 तो आप लोग पार कर चुके हैं, अब तो महज जो पूर्वांचल का 1 तारीख को सीट होनी है, 13 सीटों पर ही चुनाव होना है, तो ये माना जाए 400 प्लस पे आप वोटिंग होने जा रही है। देखिए, यूपी की 80 की 80 सीट और 4 जून को 4 बजे 400 पार ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब दगे हुए कारतूस हैं, ये सरकार चलाए 40 साल यूपी में, कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में सरकार, क्या किया गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए क्या किया है, सब जनता जान गई है कि ये सब सरकार चला के सब दग गए हैं, ये सब दगे हुए कारतूस हैं, इसमें कितनों बारूद भरेंगे चलुए नहीं होगा, मारेंगे तो छुच्ची फायर होगा, यहाँ तो सब एकदम टनाटन माल पा रहे हैं, घींच रहे हैं। ठीक है, तो वे सपा बसपा को दगे हुए कारतूस के रूप में बताया और बता रहे हैं कि 4 तारीख को 400 के पार 4 बजे रिजल्ट बताएगा। वेद मिश्रा, NBT ऑनलाइन, मऊ।